नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 जिसका नाम है वर्तनी एवं वाक्यों की अशुद्धियाँ। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले जैसा कि हर बार मैं आप लोगों से एक ही बात कहती हूँ कि इस कोरोना महामारी के चलते अपने अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें, घरों में रहकर ही पढ़ाई करें और अध्यापकों द्वारा बताया हुआ जो भी कार्य है उसको स्वच्छता के साथ करें। दूसरी बात आपके माता पिता से कहूँगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है कृपया जल्दी से जल्दी अपने बच्चों की फ़ीस जमा करा दीजिए, क्योंकि आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 6 वर्तनी एवं वाक्यों की अशुद्धियाँ। भाषा में शब्दों को लिखने के लिए लिपि चिह्नों का की जो लेखन व्यवस्था होती है उसे वर्तनी कहते हैं, अंग्रेजी में स्पेलिंग कहा जाता है। ये कह रहे हैं कि भाषा में जो हम शब्द लिखते हैं, अक्षर लिखते हैं, उनको लिखने के लिए कुछ लिपि चिन्ह होते हैं और उन लिपि चिन्हों के लिखने की जो व्यवस्था होती है उसी को हम वर्तनी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको स्पेलिंग कहते हैं। भाषा में शुद्ध वर्तनी का अत्यधिक महत्व है। कई बार शब्द की वर्तनी में जरा सी त्रुटि होने पर उसके प्रयोग में जो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जैसे किसी वाक्य में कुल यानी वंश के स्थान पर कूल यानी तट शब्द का प्रयोग हो जाने पर वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। शब्दों के गलत उच्चारण के कारण भी अनेक प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं। शब्दों की सही वर्तनी लिखने के लिए उनके सही उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हमें भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम भाषा को शुद्ध नहीं बोलेंगे, उच्चारण हम शुद्ध नहीं करेंगे, तो हमारा लेखन भी अशुद्ध ही होगा। जैसे किसी वाक्य में कुल कहा जाए, कुल का मतलब वंश से, और वहाँ अगर कुल के स्थान पर कूल शब्द का प्रयोग किया जाए तो कूल माने तट होता है, किनारा होता है, तो अर्थ का अनर्थ हो गया, वाक्य पूरा गलत हो जाएगा। तो हमें इन चीज़ों का इसमें ध्यान रखना होता है। नीचे वर्तनी की प्रमुख अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपकी पुस्तक में, आपकी किताब में बहुत से शब्द इसमें दिए गए हैं जिसमें मात्राओं की अशुद्धियाँ भी हैं और व्यंजन की भी अशुद्धियाँ हैं, तो हमें उन अशुद्धियों को देखना है। चलिए बच्चों, ध्यान से इसको पढ़ते हैं। पहली है आ और आ की अशुद्धियाँ, जैसे आधार, तो ये शुद्ध रूप होता है आधार। आविष्कार, आविष्कार नहीं होता, आविष्कार होता है। आशीष, आशीष नहीं आशीष। अमरण, अमरण नहीं होता, आमरण होता है। आगामी नहीं आगामी। संसारिक नहीं सांसारिक। अत्यधिक नहीं अत्याधिक नहीं अत्यधिक। और आवाज नहीं आवाज। ई और ए और ई की अशुद्धियाँ, ये अशुद्ध और उसके बाद शुद्ध रूप। पत्नी, पत्नी नहीं होता, पत्नी होता है। श्रीमती, श्रीमति नहीं होता, श्रीमती होता है। परीक्षण नहीं होता, परीक्षण होता है। आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है। तिथि नहीं होता, तिथि होता है। और परीक्षा नहीं होता, परीक्षा होता है। अब आती हैं बच्चों दोबारा से फिर बड़ी ई और छोटी, जैसे ई और ए की अशुद्धियाँ। कालिदास, कालिदास, कालिदास नहीं होता, कालिदास, कालिदास यहाँ नहीं होता, क्या होता है, कालिदास। अतिथि नहीं होता, अतिथि होता है। पाकिस्तान नहीं होता, पाकिस्तान होता है। मूर्ति नहीं होता, मूर्ति होता है। इंजन नहीं होता, इंजन होता है। और परिधि नहीं होता, परिधि होता है। इसी तरह से उ और उ की अशुद्धियाँ हैं। ऊंचाई नहीं होता, ऊंचाई होता है। ऊर्ध्वाधर नहीं होता, ऊर्ध्वाधर होता है। ऊर्जा नहीं होता, ऊर्जा होता है। चूहा नहीं होता, चूहा शब्द शुद्ध होता है। गुरु शुद्ध नहीं, अशुद्ध है, गुरु शुद्ध रूप होता है। यह है गुरु और यह है गुरु। इसमें बच्चों थोड़ा सा अंतर होता है, बड़े ऊ की जो मात्रा होती है इसमें पीछे घुंडी लगा दी जाती है और छोटे ऊ की मात्रा में जो रा के साथ जोड़ी जाती है उसमें घुंडी नहीं होती है। डाकू नहीं होता, डाकू होता है। ऐसे ही फिर दोबारा से ऊ और ऊ की अशुद्धियाँ। साधु नहीं होता, साधु होता है। आहूति नहीं होता, आहूति होता है। अनुज, अनुज नहीं होता, अनुज होता है। मथुरा नहीं होता, मथुरा होता है। प्रस्तुत नहीं होता, प्रस्तुत होता है। और शत्रु नहीं होता, शत्रु होता है।
उसी तरह से ऋषि और र की अशुद्धियाँ। बच्चों ऋषि की मात्रा को हम री के साथ पढ़ते हैं, ई की मात्रा का के साथ उसका उच्चारण किया जाता है। जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद नहीं होता ऋग्वेद, गृहस्थ, गृहस्थ नहीं होता गृहस्थ होता है गृहस्थ, ऋतु नहीं होता ऋतु, श्रृंगार नहीं होता श्रृंगार होता है, ऋषि नहीं होता ये वाले ऋषि आती है ऋषि, और ऋणी नहीं होता ये वाली ऋणी आती है। अगला है बच्चों ए और आई की अशुद्धियाँ। जैसे ऐश्वर्य, ऐश्वर्य नहीं होता ऐश्वर्य होता है, और एरावत नहीं होता एरावत होता है, ऐसा नहीं होता ऐसा होता है, और एनक नहीं होता एनक होता है। अब आता है बच्चों ओ और ओ की अशुद्धियाँ। औजार नहीं होता औजार शब्द शुद्ध होता है, यौवन नहीं होता यौवन शब्द शुद्ध होता है, त्योहार नहीं होता त्योहार शब्द शुद्ध होता है, द्रौपदी नहीं होता द्रौपदी होता है शुद्ध रूप, औचित्य नहीं होता औचित्य होता है, मौन नहीं होता मौन होता है। ऐसे ही अनुस्वार और चंद्र बिंदु की अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे ऊंट नहीं होता ऊंट होता है, अंक नहीं होता आँख होता है, उंगली नहीं होता उंगली होता है, गूंज नहीं होता गूंज होता है, कांपना नहीं होता कांपना होता है, और कंगन नहीं होता कंगन होता है। अशुद्ध विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ, प्रातकाल नहीं होता प्रातःकाल होता है, निसंतान नहीं होता निह संतान होता है, प्राय नहीं होता प्रायः, और अतएव होता है पूरा अतः एव नहीं होता। ऐसे ही बच्चों छ और छ की अशुद्धियाँ, ये व्यंजन वाली अशुद्धियाँ हैं। जैसे क्षमा, क्षमा में ये वाला छ नहीं बनता ये बनता क्षमा, छात्र नहीं होता ये छात्र होता है, क्षत्रिय नहीं होता ये वाला क्षत्रिय आता है इसमें, लक्ष्मी नहीं होता आधा क्षत्रिय वाला आदक्ष आता है लक्ष्मी होता है, नक्षत्र नहीं होता नक्षत्र होता है, संक्षेप नहीं होता संक्षेप होता है। इसके साथ बच्चों ये क्षत्रिय जो होता है इसको क के उच्चारण के साथ साथ में बोला जाता है संक्षेप। अब आता है अगला य और ज की अशुद्धियाँ। जदि नहीं होता यदि होता है, जमुना नहीं होता यमुना होता है, और जहूदी नहीं होता यहूदी होता है। वैसे ही जुग नहीं होता युग शब्द होता है, अयोध्या नहीं होता अयोध्या शब्द शुद्ध होता है, और जोग नहीं होता योग शब्द शुद्ध होता है। अब आती हैं बच्चों ट और ठ की अशुद्धियाँ। कनिष्ठ नहीं होता कनिष्ठ होता है, वरिष्ठ नहीं होता वरिष्ठ होता है, ज्येष्ठ नहीं होता ज्येष्ठ शुद्ध रूप होता है, बलिष्ठ नहीं होता बलिष्ठ शुद्ध रूप होता है, झूठ नहीं होता झूठ शुद्ध रूप होता है, और श्रेष्ठ नहीं होता श्रेष्ठ शुद्ध रूप होता है। अब आती हैं ठ और ट की अशुद्धियाँ। विशिष्ट नहीं होता विशिष्ट होता है, अनिष्ट नहीं होता अनिष्ट होता है, यथेष्ट नहीं होता यथेष्ट होता है, संतुष्ट नहीं होता संतुष्ट शब्द शुद्ध होता है, स्पष्ट नहीं होता स्पष्ट शब्द शुद्ध होता है, और अंत्येष्टि नहीं होता अंत्येष्टि होता है। वैसे ही ण और न की अशुद्धियाँ। इसमें बात बच्चों गणित नहीं होता गणित होता है, आदरणीय नहीं होता आदरणीय होता है, कंकण नहीं होता कंकण होता है, रामायण नहीं होता रामायण होता है, प्राण नहीं होता प्राण शब्द शुद्ध होता है, और भूषण नहीं होता भूषण शब्द शुद्ध होता है। अब आता है बच्चों ड और ढ की और ढ और ढ की अशुद्धियाँ। जैसे पेड़ अशुद्ध है, और इसका सही रूप होगा पेड़, ये यहाँ बिंदु नहीं है। सड़क नहीं होता सड़क होता है, पढ़ाई नहीं होता पढ़ाई होता है, और चढ़ाई नहीं होता चढ़ाई होता है। ढ और ढ दोनों में अंतर होता है बच्चों। त और थ, गृहस्थ नहीं होता गृहस्थ होता है, थ का प्रयोग होता है। कंठस्थ नहीं होता कंठस्थ होता है, वैसे ही भरत नहीं होता भरत होता है, और भारत नहीं होता भारत होता है। अब आती हैं बच्चों ब और व की अशुद्धियाँ। अक्सर इनमें गलतियाँ करते हैं आप लोग, तो इसमें गरीब नहीं होता गरीब होता है, बसंत नहीं होता वसंत होता है, व बीवी नहीं होता बीवी होता है, और बारिश वारिश नहीं होता बारिश होता है। अब आती हैं बच्चों कभी आधे व्यंजन के स्थान पर पूरे व्यंजन का प्रयोग, तो कभी पूरे व्यंजन के स्थान पर आधे व्यंजन का प्रयोग कर दिया जाता है, ऐसी भी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं।
जैसे यहाँ पर जहाँ पूरा व्यंजन वर्ण जुड़ना है वहाँ आधा जोड़ दिया, जहाँ आधा जोड़ना है वहाँ पूरा जोड़ दिया। तो इस तरह की अशुद्धियाँ इनको इनको भी पढ़िए। पूरब, पूरब नहीं होता पूर्व होता है। स्नेह नहीं होता स्नेह होता है। शत्रुघ्न नहीं होता शत्रुघ्न होता है। गलत नहीं होता गलत होता है। सतत नहीं होता सतत होता है। और फिल्म नहीं होता फिल्म होता है। वैसे ही मध्य प्रदेश में प्रायः श और स से पहले ई लगाकर बोला जाता है। मध्य प्रदेश में श और स से पहले ई लगाकर जोड़ देते हैं तो वो अशुद्ध रूप उनका क्या होता है, जैसे इश्लोक ई लगाकर जोड़ देते हैं, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या है, श्लोक। ई स्थान नहीं होता स्थान। स्तर नहीं होता स्तर होता है। स्त्री नहीं होता स्त्री होता है। स्थाई नहीं होता स्थाई होता है। स्नान नहीं होता, ये स्नान कर दिया, स्नान नहीं होता स्नान होता है। वैसे ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रायः स से पहले अ का लगा दिया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में स से पहले अ का प्रयोग कर दिया जाता है बोलने में। जैसे अस्थान, अस्थान नहीं होता स्थान होता है। अस्थल नहीं होता स्थल होता है। स्नान नहीं होता स्नान होता है। और अस्तर नहीं होता स्तर होता है। ऐसे ही बच्चों कई बार महाप्राण व्यंजनों के स्थान पर अल्प प्राण व्यंजनों का भी प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे भूख, भूख नहीं है भूख है। भाभी, भाभी नहीं है भाभी। चाबी नहीं है चाभी। धोखा नहीं होता शुद्ध रूप होता है धोखा। भीख अशुद्ध है भीख, शुद्ध रूप होता है। मिष्ठान, मिष्ठान नहीं होता मिष्ठान होता है मिष्ठान। अब बच्चों आता है र और र, आधा र और पूरा र, इन दोनों की अशुद्धियाँ। जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद में श के ऊपर र नहीं लगेगा बल्कि व के ऊपर आएगा आशीर्वाद। परमात्मा नहीं होता बच्चों परमात्मा होता है। प पूरा सॉरी र पूरा आता है। गंधर्व, गंधर्व ये शुद्ध रूप है। इसके बाद मर्यादा नहीं होता बच्चों मर्यादा, र पूरा नहीं आता आधा आता है। पुनर्विवाह, पुनर्विवाह में न पर रा नहीं आता बल्कि व के ऊपर मात्रा के साथ रा आता है पुनर्विवाह। प्रसाद नहीं होता प्रसाद आता है, प के साथ रा नीचे निकला हुआ होता है। अब बच्चों आती हैं श स और स की अशुद्धियाँ। जैसे आविष्कार, आविष्कार में ही सड़क वाला सा नहीं बनता बल्कि षटकोण वाला सा आता है आविष्कार। ऐसे ही परिष्कार, परिष्कार में भी ये सड़क वाला सा नहीं आता परिष्कार, षटकोण वाला सा आता है। प्रशंसा नहीं होता प्रशंसा होता है, शलगम वाला सा आता है। विशेष नहीं होता विशेष होता है, शलगम वाला सा पहले आता है उसके बाद षटकोण वाला सा आता है। आशीष नहीं होता आशीष होता है, षटकोण वाला सा शलगम वाला सा पहले आता है। और शब्दकोश, शब्दकोश नहीं होता शब्दकोश होता है।